आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में तालियों की सेवा करते हुए घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खावे गैया।
छोटी छोटी सखियां मधुवन बाग, छोटी छोटी सखियां छोटी छोटी सखियां मधुवन बाग, छोटी छोटी सखियां राज रचावे मारो मदन गोपाल, राज रचावे मारो रचावे मेरो मदन गोपाल, ओ रास रचावे मारो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल छोटो सुमारो हरि बोल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सुमारो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटो सुमारो मदन गोपाल, जय हो। छोटे छोटे ग्वाल छोटो सुमेरो मदन गोपाल। भगवान की बड़ी सुंदर झांकी थी जब भगवान गौचारण्य लीला करना शुरू किए। भगवान आगे आगे जाते थे, गायें पीछे पीछे जाती थी, ग्वाल पीछे पीछे जाते थे, पीछे पीछे ग्वाल जाते थे। भगवान खूब गायों को चराते थे जमुना जी के किनारे जाकर के, और बड़ी सुंदर बड़ी दिव्य दिव्य लीलाओं को करते थे, बड़ी दिव्य लीलाओं को करते थे। भगवान की ये जो अद्भुत लीलाएं हैं ये आज भी संत महात्मा ब्रज में दर्शन करते हैं, आज भी दर्शन करते हैं। ऐसा नहीं कि ये लीलाएं अभी नहीं हो रही हैं,
ये लीलाएं सतत चलती रहती हैं, ये लीलाएं कभी बंद नहीं होती, लेकिन हां हमारी क्षमता नहीं है देखने की, इसलिए हम लोग देख नहीं पाते। लेकिन आज भी संत महात्मा ब्रज में बैठ करके आंख बंद करके भगवान के उन दिव्य लीलाओं का दर्शन करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा रसखान को, रसखान का नाम सुना होगा, मुसलमान जाति में जन्म लिए थे, मुसलमान घर में जन्म लिए थे, लेकिन उन्होंने कृष्ण कथा सुनी और इसी प्रसंग को कि कन्हैया बांसुरी बजाते हुए मधुर मधुर जा रहे हैं और सारे अलंकारों से सुशोभित हो रहे हैं और पीछे से गायें चल रही हैं और उनके साथ साथ ग्वाल बाल जा रहे हैं। रसखान ने सोचा कि जिस समय भगवान वास्तविक लीला कर रहे थे उस समय इसका क्या दृश्य रहा होगा, कैसी मनोहर शोभा, कैसी मनोहर छटा उस समय दिख रही होगी भगवान की। रसखान के हृदय में यह भाव जगा कि हमें उस दिव्य लीला का दर्शन करना है, उस दिव्य लीला का दर्शन करना है कि वो झांकी हमें देखना है कि वो झांकी कैसी रही होगी। रसखान वृंदावन आए, फिर दोबारा वृंदावन छोड़कर के गए नहीं। रसखान आए वृंदावन में एक स्थान है केसी घाट, आए केसी घाट पर के वहीं बैठ करके भजन करने लगे और भजन करते करते भगवान को संतुष्ट कर लिए और भगवान ने उसी स्वरूप का दर्शन किया जो बाल स्वरूप में भगवान बांसुरी बजाते हुए जा रहे हैं और गायें उनके पीछे पीछे जा रही हैं। रसखान मुसलमान कुल में जन्म लेकर भी भगवान को संतुष्ट कर लिए, लेकिन आज हम लोग हिंदू के घर में जन्म लेकर के भगवान के नामों से नफरत करते हैं। रसखान कैस, कितने मुसलमान हमारे कृष्ण के प्रेमी हुए हैं, कितने मुसलमान प्रेमी हुए हैं। हरिदास ठाकुर जो कि हमारे महाप्रभु की लीला में आए, हरिदास ठाकुर मुसलमान घर से थे, जब महाप्रभु से मंत्र दीक्षा ली तो उनका नाम महाप्रभु ने रखा हरिदास। हरिदास मतलब होता है जो भगवान का नौकर है, जो भगवान का सेवक है। हरिदास मुसलमान कुल में जन्म लेके और वैष्णव धर्म के आचरण का पालन किए, वैष्णव धर्म में दीक्षित हुए और मुसलमान सब उन पर टूट पड़े, उनको पकड़ करके खड़े करके चौराहे पर कोणों कोणों से पीटे, लेकिन वो नाच नाच करके एक ही बात कहते थे, खंड खंड हई दे जाए यदि प्राण तबु अमी बदने न छाणी हरि नाम। बोले तुम लोग हमें मार सकते हो, इस शरीर को काट सकते हो, लेकिन हमारे जिह्वा से भगवान का नाम बंद नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, भगवान का नाम जप करने से तुम नहीं रोक सकते। इसलिए जिस व्यक्ति के हृदय में यह भाव है कि हम भगवान का नाम जप करेंगे तो उसको इस संसार में कोई नहीं रोक सकता, न तो उसका पड़ोसी रोक सकता है, न बेटा रोक सकता है, न बीबी रोक सकती, कोई नहीं रोक सकता। अरे विभीषण जैसे महात्मा लंका में रह करके भगवान राम नाम का जप किया करते थे, लंका में रहते थे जहां पे 24 घंटे निगरानी रहती थी कोई राम नाम नहीं जपेगा, वहां पर रहकर भी बड़े चतुराई से विभीषण भगवान के नामों का जप करते थे। एक दिन सारे असुर शिकायत कर दिए, असुर शिकायत कर दिए कि महाराज आप हम लोगों पे तो तलवार लेके खड़े हैं कि कोई राम नाम नहीं लेगा, और आपका ही भाई स्वयं विभीषण इसी लंका में रह के राम राम जप रहा है, आप उसको मना नहीं करते। बोले अच्छा वो राम नाम जप कर रहा है, बुलाओ उसको। विभीषण को बुलाए, बोले महाराज तुमको बुला रहे हैं। बोले बिल्कुल चलेंगे, चलो गए। भरी दरबार में विभीषण को खड़ा कर दिया गया। बोले विभीषण तुम हमारे भाई हो, असुर कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है और तुम राम नाम जप करते हो। तो बोले भैया बोला कौन? बोले सब असुर कह रहे हैं। बोले इसीलिए तो इनको असुर कहा जाता है, इनके पास बुद्धि की कमी है,
इनको क्या पता कि मैं किस नाम का जप कर रहा हूं। तो बोले तुम राम नाम का जप नहीं करते? बोले जप करता हूं भैया, मैं भी कह रहा हूं राम राम जप करता हूं, लेकिन मेरा राम राम जप करने का जानते हैं क्या अर्थ है? क्योंकि मैं अपने भैया और भाभी से इतना प्रेम करता हूं, इतना प्रेम करता हूं कि उनके नामों का दिन रात जप करता हूं। क्योंकि आपका नाम है रावण और हमारी भाभी का नाम है मंदोदरी, तो मैं रावण और मंदोदरी कहूंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसलिए पहला अक्षर आपका ले लेता हूं और पहला अक्षर भाभी का ले लेता हूं, राम हो गया और राम राम जपता हूं, मैं तो आपके नामों का पुजारी हूं प्रभु। रावण बड़ा प्रसन्न हुआ, बोला देखो ये लोग इसीलिए तो असुर हैं, बताओ। तो अगर विभीषण जप कर सकते हैं लंका में रह करके, तो क्या हम लोग लंका में रह रहे हैं? लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन करवासा। जहां एक भी सज्जन देखने को नहीं मिलता, उस जगह पे विभीषण जैसे भक्त चूड़ामणि भगवान के नामों का जप कर रहे हैं, और हम लोग कहते हैं महाराज टाइम नहीं है हमारे पास। अरे मैया एकाग दो माला जप किया करो। ना ना महाराज, समय ही कहां है हमारे पास, बहुत काम है हमारे पास, कोई जप करने के लिए तैयार नहीं। तो रसखान हुए, हरिदास हुए, ये सब भगवान के ऐसे भक्त हुए कि मुसलमान कुल में जन्म लिए, लेकिन वैष्णव धर्म का आचरण किए, वैष्णव परंपरा में दीक्षित होकर के अपने जीवन को धन्य बना दिए, धन्य बना दिए अपने जीवन को। इसलिए हम सबको वैष्णव धर्म का ही पालन करना चाहिए, वैष्णव धर्म का पालन करना चाहिए, और वैष्णव धर्म में दीक्षित होकर के हमें अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए, अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहिए। तो ऐसे ऐसे भक्त हुए भगवान के, उसके बाद धीरे धीरे करके और समय बढ़ा। महाराज घड़ी की सुई भी बहुत तेज भाग रही है। उसके बाद भगवान उखल में बंद करके यमला अर्जुन का उद्धार किए, वत्सासुर और बकासुर का भी भगवान ने उद्धार किया। वहीं गोकुल में एक फल वाली रहती थी, फल वाली का भी भगवान ने उद्धार किया। फल वाली बेचारी रोज टोकरी में लेकर के फल बेचा करती थी, गली गली में चिल्लाती थी फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो। जैसे आजकल गली में आता है सब्जी वाला बोलता है ना, तो हम लोग घर में से निकलते हैं, भैया सब्जी वाला आ गया। सबका अपना बेचने का तरीका है, लोग अपना बेचते हैं किसी भी तरीके से। तो वैसे फल वाली बेचारी बेचा करती थी, लेकिन गोपाल को तो कृपा करना है, गोपाल को तो बहाना चाहिए बस। वो तो खोजते हैं अपने भक्तों को कि कोई बहाना मिले, कोई मौका मिले, इसका उद्धार कर दें हम। तो बस उस दिन फल वाली चिल्लाते हुए उस गोपाल की गली में घुस गई। गोविंद की गली में जो आया वो बच के गया नहीं, गोविंद की ऐसी गली है, कोई बच के गया नहीं गोविंद की गली से। गोविंद की गली में तो हमारी श्रीमती राधा रानी रस बरसाती है, रस बरसता रहता है, और उस रस का अगर एक भी छींटा आपके ऊपर पड़ गया तो फिर कोई आपको बचा नहीं पाएगा। फल वाली उसी गोविंद की गली में गई और फल ले लो चिल्लाती हुई, और गोविंद हमारे निकल करके आए घर में से। बोले मैया हमको फल दे दो। मैया ने तो गोपाल के स्वरूप को देखकर ही धन्याति धन्य हो गई और उठा के गोपाल को अपनी गोद में बैठा ली, अपने उसको फल को उतार के नीचे रख दिया। बोला बेटा मेरी तो इच्छा ऐसी हो रही कि मैं सारा फल उठा करके तुमको दे दूं, लेकिन यह हमारा धंधा है और कुछ लेकर ही हम कुछ देते हैं, इसलिए तुम अपने घर में जाओ, तुमसे जो बन पाए, जो कुछ भी तुम्हारे घर में है वही तुम ला करके हमें दो, मैं तुमको फल दे दूंगी। भगवान इतना सुने और भगवान छोटे छोटे पैरों से दौड़ दौड़ करके घर में गए, और धान से भरा हुआ कुठला था, उस कुठले में भगवान हाथ डाल करके और दोनों हाथ से उठाए धान को और ऐसे लेकर के चले। अब छोटा सा बच्चा, उसके हाथ में कितना धान आएगा आप सोचिए, और वो धान लेकर के अगर दौड़े तो उसके हाथ में कितना दाना धान टिकेगा।
दौड़ते आए उस फल वाली के पास और बोले लो मैया। उस चार दाने को लेकर के सारा फल फलवाली ने गोपाल को दे दिया। बोला आज मेरा धंधा शायद इतना ही होना है, ठाकुर जी की यही कृपा है। और उस चार दाने को लेकर के अपने चद्दर से ढक करके उस जो डलिया थी उसमें ढक करके वो लेकर के घर चली गई। संतुष्टि, यही इसी का नाम है संतुष्टि, कि भगवान जो दे दे उसमें हमें संतुष्ट होना चाहिए, नहीं तो ये राक्षस खोपड़ी ना तो भरी है और ना तो कभी भरेगी, कभी नहीं भरेगी। इसके पीछे जो भागा वो कभी जग नहीं पाया महाराज, कभी जग नहीं पाया, कभी अच्छा कार्य नहीं कर पाया। इसलिए इस खोपड़ी के पीछे मत भागो, संतुष्ट होकर के कि आज हमारा यही धंधा हुआ है, इसी से हमें अपना जीवन यापन करना है। अब जैसे ही वो ढक करके और ले करके बेचारी अपने घर गई और घर पे उतार करके रख दी, पानी पी, थोड़ा आराम की, और उसके बाद जब जा करके टोकरी में से जब कपड़े को उठाती है तो टोकरी हीरे जवाहरात से भरी पड़ी मिलती है महाराज, हीरे जवाहरात से भरी पड़ी मिलती। उस हीरे जवाहरात से भरी टोकरी देख करके वो अम्मा के आंख से आंसू धड़ धड़ बहने लगा, आंख से आंसू बहने लगा। बारे प्रभु तुम्हारी भी कृपा कैसी है, तू भी कृपा कैसे करता है, लोगों को अंधकार में रख के कृपा करता है कि व्यक्ति को महसूस भी नहीं हो पाता कि तुम्हारी कृपा अब बरसने वाली है, तुम्हारी कृपा अब बरसने वाली है। फल वाली ने ऐसा धंधा किया, ऐसा बिजनेस किया कि पूरे जीवन के लिए फ्री हो गई। अब उसको जिंदगी में फल बेचने की जरूरत नहीं पड़ी, भगवान ने उसको इतना दे दिया, इतना दे दिया। भगवान को अपने गोद में बैठाकर जो सामने दर्शन करके जो व्यक्ति संतुष्ट नहीं हुआ वो पैसे गिन करके कहां संतुष्ट होगा महाराज। कुछ लोग जिंदगी में केवल एक ही तपस्या होती है कि भगवान केवल नोट गिनने को मिले, तो ऐसे लोगों की नौकरी बैंक में लग जाती है कि देख तो सकते हो, गिन तो सकते हो, लेकिन तुम्हें मिलेगा नहीं। तो यही हालत हमारी है, यही हालत है कि नोट देख करके और गिन कर किस व्यक्ति को संतुष्टि मिली है महाराज, किसी को संतुष्टि नहीं मिली। संतुष्ट यदि होना है तो आप अपने कर्मों से संतुष्ट हो जाइए, आपको जो मिल रहा है नमक रोटी उसमें संतुष्ट हो जाइए, उसी से अपने पेट को पालिए, उसी से अपना संसार चलाइए। उसी में जो संतुष्ट हो गया वो संसार के सारे सुखों को प्राप्त कर लिया, सारे सुखों को प्राप्त कर लिया। अब उसके जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए शेष नहीं बचा, कुछ शेष नहीं बचा। यह है जीवन अद्भुत। भगवान ने उस फल वाली का उद्धार किया, उसके बाद अघासुर का उद्धार किया, उसके बाद ब्रह्मा जी को थोड़ा सा मोह हो गया। ब्रह्मा जी को मोह हुआ तब जब भगवान गायों को लेके गए जमुना जी के किनारे चराने के लिए, और जमुना जी की कलरव करती हुई धारा के किनारे बैठ करके जब खुद खाते थे और वही जूठन गोपाल को खिलाते थे, ग्वाल बालों को खिलाते थे और ग्वाल बाल खुद खा करके गोपाल को खिलाते थे, ब्रह्मा देखे बोले ये भगवान है, बताओ इन ग्वाल बालों का जूठन खा रहा, ये तो भगवान हो ही नहीं सकता। भगवान को पहचानने में ब्रह्मा जी गलती कर गए और भगवान की परीक्षा लेना चाहे, परीक्षा लेना चाहे भगवान की, तो सोचे कि इनके गाय बछड़ों को ही चुरा लेते हैं। गाय बछड़ों को चुरा करके ब्रह्मा जी ले गए ब्रह्मलोक में, रख दिए उनको ब्रह्मलोक में रख दिया। तो ग्वाल बाल बोले कन्हैया खाना तो हम खा रहे हैं लेकिन हमारी गैया नहीं दिख रही है, गैया को देखो नहीं, कहीं चली गई इधर उधर तो फिर खोजना पड़ेगा। कन्हैया बोले कि तुम खाओ मैं खोज करके आता हूं। कन्हैया गए खोजने के लिए, जब गए गाय खोजने के लिए इधर गोपाल को ग्वाल बालों को ब्रह्मा जी उठा करके ले गए ब्रह्मलोक पहुंचा दिए। अब ग्वाल बाल उधर उधर गाय नहीं मिली, इधर लौट के आए तो इधर ग्वाल बाल नहीं मिले। अब भगवान बड़े आश्चर्यचकित रह गए, भगवान समझ गए कि किसी की जरूर ये करामात है। भगवान आंख बंद करके और जब बैठ करके ध्यान लगाए तो देखे तो ये ब्रह्मा जी की लीला, ब्रह्मलोक में ग्वाल बाल गाय पड़े। तो भगवान भी सोचे कि
ब्रह्मा जी बड़ा उल्टे आदमी से पंगा ले लिए तुम। भगवान तक क्षणात जितने ग्वाल बाल थे, जितने गैया बछड़े थे, स्वयं ही गैया बछड़ा बन के और स्वयं ही ग्वाल बाल बन गए, स्वयं ग्वाल बाल बन गए। महाराज एक साल तक भगवान खुद ही चरते रहे और चराते रहे, एक साल तक चरते रहे और चराते रहे, ये भगवान है। किसी को पता नहीं चला। और जब उस दिन भगवान ग्वाल बाल बन करके अपनी मां की तरफ जब बढ़े तो मां के स्तन में दूध आ गया, मां का प्रेम प्रकट हुआ। जब बछड़े गाय की तरफ बढ़े तो गाय के थन में दूध आ गया, उनका प्रेम प्रकट हो गया। क्योंकि आज वो गाय तो थे नहीं, वो बछड़े तो थे नहीं, वो ग्वाल बाल तो थे नहीं, वो तो स्वयं भगवान कृष्ण थे। उन सबकी मनोकामना को आज भगवान पूर्ण कर रहे हैं ग्वाल बाल बन करके। एक साल तक चरते रहे और चराते रहे ब्रह्मा जी। एक साल के बाद सोचे चल के देखें, कृष्ण तो बेचारा पगला के रो रहा होगा, सब गाय बछड़े उसके गायब हो गए, चोरी हो गए। यहां आए देखे तो वैसे ही गाय बैल सब बछड़े वैसे ही चर रहे हैं। ब्रह्मा जी देख के बोले, भैया ये क्या हो गया। और जब ब्रह्मा जी इधर आए देखने के लिए तो भगवान कृष्ण पहुंच गए ब्रह्मलोक। बोले कि चल भाई इनकी भी खबर ले ली जाए कि ये असली है कि नकली, हमको तो ये चेक कर लिए। भगवान गए ब्रह्मलोक और ब्रह्मा बन करके ब्रह्मलोक में प्रवेश किए और द्वारपालों से बोल दिए कि देखो भाई मैं ब्रह्मा, मैं जा रहा हूं अपने गद्दी पर बैठने के लिए, और आजकल बहुत डुप्लीकेट ब्रह्मा घूम रहे हैं, डुप्लीकेट ब्रह्मा से सावधान रहना, क्योंकि आजकल तो मार्केट में सब डुप्लीकेट ही मिल रहा है, ओरिजिनल तो कोई बेच ही नहीं रहा है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो भगवान द्वारपालों को सावधान कर दिए कि भाई देख लो मैं जा रहा हूं अंदर, अगर कोई डुप्लीकेट ब्रह्मा आए कहे मैं ब्रह्मा हूं तो धक्के मार के उसको बाहर निकाल देना। अब महाराज इधर आए ब्रह्मा जी और देख करके बेचारे सोचे कि ये तो ऐसे ही चर चरा रहे हैं, चले देखे वहां है कि नहीं। और जब ब्रह्मा जी अपने लोक में पहुंचे तो जब घुसने लगे मुंडी नीचे करके दरवाजे में तो द्वारपाल डंडा लगा दिए, बोले कहां जा रहे हो। बोले अरे हमें रोक रहे हो, मैं तो ब्रह्मा। बोले बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे डुप्लीकेट, हमारे भगवान तो अंदर बैठे, तुम कहां से आ गए। क्योंकि ब्रह्मलोक में तो 4 मुंड के 8 मुंड के 16 मुंड के ब्रह्मा है, लाख लाख मुंड वाले ब्रह्मा है, लेकिन सबसे छोटे ब्रह्मा हमारे लोग के ही हैं, 4 मुंड वाले, जिनकी 4 मुंडी है। जब डंडा लगा के रोक दिए कि भैया कहां जा रहे हो, बोले मैं ब्रह्मा। बोले ब्रह्मा तुम्हारे जैसे बहुत देखे डुप्लीकेट ब्रह्मा, तुम बताओ यहां घूम रहे हो, हमारे ब्रह्मा अंदर बैठे हैं। ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्यचकित रह गए, बोले भैया मैं बाहर तो भीतर कौन। तो बड़ा रिक्वेस्ट किए ब्रह्मा जी उनसे, बड़ा निवेदन किया हाथ जोड़ के कि भाई अच्छा एक बार तुम अपने ब्रह्मा का दर्शन तो करवा दो। बोले कुछ नहीं, यहां से भागो। बहुत जोर से मार करके भगाए उनको। फिर बेचारे लौट के आए, बड़ा निवेदन करने पर बोले कि अंदर घुसने नहीं देंगे, अगर तुमको दर्शन करना है तो थोड़ा सा झांकी खोल देते हैं, वहीं से तुम भगवान को देख लो, घुसने नहीं देंगे। देखिए जो भगवान की सत्ता पे शक करता है भगवान उसकी कुर्सी छीन ही लेते हैं, उसकी कुर्सी गई। आज ब्रह्मा अपनी कुर्सी खो दिए केवल भगवान पे शक करके। जब ब्रह्मा जी भगवान का दर्शन किए, हाथ जोड़े भगवान के सामने, तो भगवान बड़े प्रेम से मुस्कुराए और मन ही मन ब्रह्मा से बोले कि आ गई अकल ठिकाने, अब ऐसी गलती जीवन में मत करना। बड़ा क्षमा मांगे ब्रह्मा जी, हाथ जोड़ करके निवेदन किए, भगवान की स्तुति किए, भगवान संतुष्ट हुए। बोले ब्रह्मा जी अब गलती मत करना, तुमको ब्रह्मलोक का अभिमान हो गया था, अभिमान हो गया था तुमको, इसलिए तुम्हारे अहंकार को तोड़ना बहुत जरूरी था, क्योंकि तुम हमारे भक्त हो, हमारे पार्षद हो। भगवान ने ब्रह्मा जी के भ्रम को तोड़ा और उसके बाद ब्रह्मा जी को उनका पद दिया और अपने ग्वाल बाल को लेकर के धरती पे आ गए।
तो ब्रह्मा जी का मोह भंग किए। उसके बाद श्रीदाम सुबल मनसुखा धनसुखा आदि जितने भी सखा थे, सखाओं के साथ भगवान गाय चराते थे और गाय चरा करके माखन खाते थे और धीरे धीरे करके घर में मित्रों से पूछा करते थे। रोज जब गाय चराने आते थे तो मनसुखा से पूछते थे, धनसुखा से पूछते थे कि बोल भाई श्रीदाम तुमको मक्खन मिलता है कि नहीं। श्रीदामा बोला देख कन्हैया गाय तो हम लोग चराते हैं लेकिन सारा मक्खन निकाल के और अम्मा बाजार में ले जाके बेच देती है। घर में गाय तो दूध देती है लेकिन एक पाव घर में रख करके और 5 लीटर पानी मिला के दूध वाले को नाप देती है अम्मा। तो देखो खाने को नहीं मिलता। तो भगवान बोले देखो अच्छा खाने को नहीं मिलता तो अब हम लोग चोरी करेंगे। बोले चोरी करेंगे? बोले अरे दूसरे की चोरी थोड़ी करेंगे, खुद की घर में चोरी को थोड़ी चोरी कहा जाता है। बोले एक बता कि काहे की चोरी करेंगे? बोले अब हम लोग मक्खन की चोरी करेंगे। बोले ठीक है चोरी करेंगे। तो अब भगवान चोर मंडली बना दिए, चोरों की मंडली बना के और चोरों के सरदार बन गए। जब पहले दिन ट्रेनिंग शुरू हुई चोरी की तो भगवान बोले देखो भाई शुरुआत अपने अपने घर से होगी क्योंकि चोरी पहले घर में की जाती है। जब घर में लड़का पक्का हो जाए तब बाहर में हाथ मारना शुरू करता है। तो इसलिए चोरी पहले सब लोग अपने अपने घर में करेंगे। आज जाओ और कल चोरी करेंगे सब लोग अपने अपने घर में। जब घर में पक्का हो जाएंगे तब हम लोग बाहर चोरी करेंगे। सब लोग गए घर में अपने अपने चोरी किए। श्रीदाम धन सुखा मन सुखा बेचारे पकड़े गए, घर में चोरी किए पकड़े गए। खूब पिटाई हुई धड़ाधड़। पकड़ के आए बेचारे गाय चराने के लिए। कन्हैया पूछे कि क्या हुआ मन सुखा? बोले कन्हैया चोरी नहीं करना। बोले क्या हुआ? बोले आज बहुत मार पड़ी हमको। बोले चिंता मत करो अभी तुम लोग सीखे नहीं हो, अब तुम लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी कैसे चोरी की जाती है। अब भगवान चोरों के सरदार, चोरी करना सिखाए। बोले कि कल सुबह सुबह हम सब लोग इकट्ठा होकर के और घर घर में जाकर के चोरी करेंगे। भगवान चोरी भी करते हैं तो भगवान मक्खन चोरी करते हैं, भगवान कठोर पदार्थ को चोरी नहीं करते हैं। भगवान सॉफ्ट चीज को चोरी करते हैं जो बहुत मुलायम हो। भगवान जिसका कठोर दिल है उसके दिल को उसके चित्त को नहीं चुराते। भगवान उसके चित्त को चुराते हैं जिसका हृदय एकदम द्रवित हो जाता है भगवान को देख करके, जिसका हृदय एकदम पवित्र है। भगवान मक्खन चोरी के बारे में बताए, वो मक्खन तो व्यक्ति का हृदय है, जीव का चित्त ही भगवान के द्वारा चुराए जाने वाला मक्खन है। भगवान प्रत्येक दिन गोपियों के घर में जाके चोरी कर देते, प्रत्येक दिन चोरी करते थे, चोरी करते थे और खुद भी खाते थे और ग्वाल वालों को भी खिलाते थे, ग्वाल वालों को भी खिलाते थे। महाराज भगवान चोरी तो करते थे लेकिन जिस घर में जिस दिन भगवान चोरी करने के लिए नहीं जाते थे उस घर में गोपियां रोती थी, गोपियां रोती थी कि प्रभु आज हमसे कौन सा अपराध बन गया, आज हमसे कौन सी गलती हो गई जो आप आज हमारे घर में मक्खन चुराने के लिए नहीं आए, आप हमारे घर में मक्खन चुराने के लिए नहीं। प्रत्येक गोपी ताजा ताजा मक्खन निकाल करके मट्ठा से मार करके और उसका मक्खन निकाल करके अपने घर में रखती थी गोपाल के लिए, हमारे घर में गोपाल आएंगे मक्खन खाने के लिए। आज भी हमारे ब्रज में जो माताएं मक्खन निकाल के रखती हैं उसमें से इतना मक्खन आज भी कम हो जाता है। आज भी जो सच्चे हृदय से भगवान को भोग लगाता है भगवान आज भी खाते हैं, आज भी खाते हैं। भगवान की ऐसी अद्भुत लीला गोपियों के साथ। जिसके घर में 9 लाख गैया, जिसकी मां रानी, जिसके घर में स्वयं उसकी मां पद्मगंधा गाय अपने हाथ से दूहे, जिसके घर में लाखों लाख नौकर वो अपने हाथ से दूध निकाले, अपने हाथ से उसको पकाए, अपने हाथ से उसको
जमाए और जमा करके सुबह उठ करके नहा धो करके मथनी उठा करके मंठा मार करके और गोपाल के जगने से पहले मक्खन निकाल के ताजा ताजा रख दे। उसका बेटा किसी के घर में चोरी, क्या जरूरत है उसको चोरी करने की? कोई जरूरत नहीं। यशोदा मैया बता रही थी कि हमें गोपाल की सेवा कैसे करनी चाहिए। यशोदा मैया गोपाल की सेवा करती थी, सुबह सुबह उठ करके पहले स्नान करती थी, अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान ध्यान करके और पूरा श्रृंगार करती थी, नए वस्त्र पहनती थी, अपने बालों में गजरा लगाती थी, पूरा श्रृंगार करके फिर मथनी उठाती थी भगवान की सेवा के लिए, कि अब एकदम पवित्र आत्मा से और नाच नाच करके मट्ठा को मारती थी और भगवान के नामों को गाती थी। इसलिए जब भी माताएं घर में खाना बनाएं, भगवान के लिए खाना बनाएं, भगवान के लिए कुछ कार्य करें, तो उनके मुख से केवल भगवान का नाम संकीर्तन निकलना चाहिए। खाना बनाते समय कहा जाता है कि भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहिए। कहा जाता है तेरहवीं का खाना नहीं खाना चाहिए। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे यही कारण है, क्योंकि जो तेरहवीं का खाना होता है वो रो रो के बनाया जाता है, वो दुख में बनाया जाता है, इसलिए उस खाने को हमें नहीं खाना चाहिए। इसलिए जब हमारे मन में क्रोध हो, हमारे मन में ईर्ष्या हो, तो हमें रसोई में नहीं जाना चाहिए, नहीं उसका दुष्प्रभाव खाने वाले पे पड़ेगा। हम जिस भाव से खाना बना के खिलाएंगे वो भाव खाने वाले के अंदर जाएगा। इसलिए जब भी हम खाना बनाने जाएं, रसोई में घुसने से पहले हमें याद रखना चाहिए कि मैं नहाई हूं या नहीं नहाई हूं। हमारी शौचता और पवित्रता का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। हम शौच के लिए जाते हैं, शौच से आते हैं तो हम हाथ धुल लेते हैं, हम कपड़े नहीं बदलते, हम नहाते नहीं। कम से कम यदि हम शौच जाते हैं तो कम से कम हम कमर तक तो हमें धुल ही लेना चाहिए। कपड़े को हमें बदल कर ही हमें रसोई में जाना चाहिए। हमारे अंदर कोई पवित्रता नहीं, कोई शौचता नहीं, क्या पूजा करोगे भाई, क्या पूजा करोगे? हमें नियम ही नहीं पता है कि कैसी स्वच्छता होती, पवित्रता होती, कैसे क्या होता, हमें पता नहीं है। आजकल तो बेटा लोग अपने मां को जगाते हैं, मम्मी उठो हमें स्कूल नहीं भेजोगी क्या? बेटा को ज्यादा चिंता है, मां को कम चिंता है। मां भी बेचारी उठती है, आंख मलते हुए रसोई में जाती है, अपना फ्रिज में रखा हुआ आटा रात का निकाली और दो बेलन मारी, तेल लगा के पलट के और टिफिन में भर के दे दी, ले जाओ बेटा। बिना भोग लगाए बेटे को टिफिन दोगे, किसी को खिलाओगे तो उसकी मति तो भ्रष्ट होना ही होना है, कि क्योंकि अभी तुम नींद से ही नहीं जगे हो। इसलिए ये विशेष ध्यान दे हमारी माताएं कि वो खाना बना करके लोगों को खिलाती हैं। जब भी उन्हें क्रोध हो, ईर्ष्या हो, गुस्सा हो, तो हमें रसोई में नहीं जाना चाहिए। जब भी आप खाना बनाएं तो ये भाव रख के बनाएं कि भाई हम ठाकुर जी के भोग के लिए बना रहे हैं, हम परिवार के लिए नहीं बना रहे हैं, हम भगवान के लिए लगा रहे हैं, भगवान को भोग लगाने के लिए बना रहे हैं। तो हमारी स्वच्छता और पवित्रता का पूरा ध्यान रखे, पूर्ण रूप से हम स्वच्छ और पवित्र होकर के ही रसोई में जाना चाहिए। और जब भी आप खाना बनाते रहिए तो भगवान के नामों का गान करते रहिए, कीर्तन करते रहिए, कीर्तन करते हुए झूम झूम करके खाना बनाना चाहिए। यशोदा मैया झूम झूम करके नाच नाच करके मक्खन निकालती हैं और निकाल करके गोविंद के लिए रखती हैं। ऐसे बहुत सारी लीलाएं की। उसके बाद भगवान ने कालिया नाग का वध किया और उसके बाद नाग पत्नियों का उद्धार किए, उसके बाद दावानल से भी भगवान ने बचाया और उसके बाद यज्ञ पत्नियों पर भी भगवान उद्धार किए। यज्ञ पत्नियां थी, ब्राह्मण की पत्नियां थी, ग्वाल बाल गए थे, भगवान कृष्ण गए थे गाय चराने के लिए, कृष्ण को भूख लगी, ग्वाल बाल को भेजे कि भाई यहीं ब्राह्मणों की बस्ती है, जाओ वहां से कुछ भोजन मांग के लाओ, मधुकरी जिसको बोलते हैं, हमारे ब्रज में मधुकरी चलती है, संत महात्मा घर में जाते हैं मधुकरी मांगने के लिए और माताएं गरम गरम रोटी घी लगा के और सब्जी के साथ महाराज जी को देती हैं।
ये मधुकरी हमारे ब्रज में चलती है। और कुछ कुछ संत महात्मा तो परमानेंट हैं कि किसी घर में लग गए हैं तो उस घर में रोज सुबह या शाम को जाते हैं मधुकरी लेकर के। जाएंगे राधेश्याम बोलेंगे, अम्मा अंदर से निकलेंगी रोटी लेकर के सब्जी लेकर जो कुछ भी बनाई है ला करके उनके कमंडल में देंगी, महाराज जी जाएंगे खाएंगे दिन भर भजन करेंगे। लेकिन अगर किसी दिन महात्मा जी अगर नहीं आए तो अम्मा लोग डांटती भी हैं, क्यों बाबा कल कहां थे, कल नहीं आए, तुम्हारे लिए मैंने रोटी रखा था। और कहीं आप लोगों के यहां रोज कोई साधु महात्मा अगर आने लगे तो महाराज घर के अंदर से ही आवाज आएगी, अरे तुमको हमारा ही घर दिखाई दिया है, रोज हमारे घर ही पहुंचे रहते हो। ये है सिकंदरपुर और वो है वृंदावन धाम। वृंदावन धाम में तो हमारी माताएं खूब छकाचक खिलाती हैं। आप कहीं किसी घर बैठ जाओ आपको रोटी तो मिल ही जाएगी, रोटी की कमी नहीं हमारे ब्रज में, क्योंकि वहां की रक्षा करने वाली हमारी ब्रज रानी राधिका है, सबकी रक्षा वही करती हैं। कोई बगैर खाए नहीं सोता, कोई बगैर खाए नहीं सोता, सबका पेट भरता है वहां सबका। तो यज्ञ पत्नियों के पास गए महाराज, जब ग्वाल बाल गए ब्राह्मण के यहां तो ब्राह्मण दरवाजे पर बैठ के हवन कर रहे थे। बोले क्या चाहिए, बोले कृष्ण आए हैं बलराम आए हैं उनको भूख लगी कुछ मधुकरी चाहिए। बोले भागो यहां से, कृष्ण बलराम भूखे आए हैं, अरे गाय चरवाए भूखे आए हैं तो क्या हम खाना देंगे, डांट करके भगा दिए। बेचारे ग्वाल बाल वापस चले गए, कृष्ण बलराम से बोले कि कन्हैया कुछ खाने को मिला नहीं वहां। बोले किससे मांगे, बोले दरवाजे पर ही पंडित जी लोग बैठे थे हवन कर रहे थे उन्हीं से बोले। बोले अरे उनसे क्यों मांगे, वो तो नहीं देंगे, घर में घुस के माताओं से मांगना चाहिए, क्योंकि माताएं बहुत पुजारी होती हैं, दान पुण्य में माताएं ज्यादा हाथ बटाती हैं, आदमी तो एक बार हाथ खींचता भी है औरतें बढ़ चढ़ के हाथ लेती हैं। इसलिए तुमको दान लेना है तो औरतों से लो, कुछ खाना है तो औरतों से मांगो, जाओ फिर से जाओ, और इस बार पंडित जी लोगों की बात मत सुनना, इस बार डायरेक्ट घर में घुस जाना। अब पंडित जी लोग तो यज्ञ दीक्षा लेकर के बैठे हैं, उठ नहीं सकते हैं, अब वो लोग बैठे हैं हवन करने लगे, ग्वाल बाल आए और डायरेक्ट घर में घुसे जा रहे हैं। पंडित जी लोग आंख दिखाए कहां जा रहे हो, वो लोग सुने ही नहीं, कान में उंगली डाल के डायरेक्ट घर में घुस गए। गए अंदर घर में देखे देवी लोग घर में थी, देवी लोगों से बोले कि हमारे कृष्ण बलराम यहीं आए हुए हैं, उनको भूख लगी है कुछ मधुकरी चाहिए। माताओं ने सुना कृष्ण बलराम आए हैं उनको भूख लगी है, इतना सुंदर उन्होंने प्रसाद बनाया एकदम गरम गरम और थाली में सजा करके जब ग्वाल बालों के साथ जब घर में से निकली तो पंडित जी लोग ऐसे देख रहे हैं तिरछी निगाह से, देवी कहां जा रही हो। बोले आज तुम तो चुप ही रहो, आज तुम्हारे मना करने से भी रुकने वाली मैं नहीं हूं। दो बात है यहां पे, एक धर्म होता है एक परम धर्म होता है। धर्म किसको कहते हैं, बेटे की सेवा पति की सेवा समाज की सेवा, जो भी हमारे इस समाज में जो धर्म का पालन हम करते हैं ये हमारा धर्म जो है, यही पालन को ही धर्म कहते हैं कि पति की सेवा करना है बच्चों को कमा के खिलाना है, जो हमारा सामाजिक सेवा है ये है धर्म। लेकिन एक परम धर्म होता है, परम धर्म उसे कहते हैं जब हम भगवान की सेवा करते हैं, केवल भगवान की सेवा ही परम धर्म है। जिस जगह पे धर्म और परम धर्म आपस में टकरा जाए उस जगह पे धर्म का त्याग करना कर देना चाहिए, परम धर्म का आश्रय ले लेना चाहिए। अगर पति कहे कि भगवान का भजन नहीं करना है तो पति से हाथ जोड़ लेना, भैया तुम नहीं करते तो तुम शांत रहो हमें करने दो। इसलिए हमें सदैव जहां पे धर्म और परम धर्म की बात आए वहां पे हमें परम धर्म का आश्रय लेना चाहिए, धर्म का कभी आश्रय नहीं लेना चाहिए। तो आज जो ब्राह्मण पत्नियां थी आज परम धर्म का आश्रय ले रही हैं, धर्म का त्याग कर रही, पति देव की बातों का इंपॉर्टेंस नहीं दे रही, वो उनको छोड़ रही हैं। बोले भैया तुम चिल्लाओ जितना चिल्लाना है, मैं तो अब कथा में जा रही हूं, अभी 11 बजे ही वापस आऊंगी, तुम चिल्लाते रहो घर में। माताएं निकली वहां से प्रसाद लेके, सुंदर प्रसाद बना के लाई,
और कृष्ण बलराम वन में पाए प्रसाद को बड़ा संतुष्ट हुए और यज्ञ पत्नियों का उद्धार किए और उनके साथ साथ ब्राह्मण देवताओं का भी उद्धार हो गया। क्योंकि जब पति धर्म के मार्ग पत्नी जब धर्म के मार्ग पे चाहे तो पति को कभी टांग नहीं लड़ाना चाहिए, कभी उसको रोकना नहीं चाहिए भगवान के पूजा पाठ से। भैया तुम नहीं कर पा रहे, वो कर रही है तो उसी के पीछे लग जाओ, तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। अब टांग लड़ाओगे तो तुम्हारा विनाश भी हो जाएगा। और यदि पति धर्म के मार्ग पे है, पति भजन कर रहा है, तो पत्नी को भी कभी अड़चन नहीं डालना चाहिए। पति कह रहा है देखो घर में अब लहसुन प्याज नहीं बनेगा, मैं कंठी पहनने वाला हूं, देखो अभी मत पहनो, अभी बहुत उम्र समय बाकी है, अभी कंठी पहन के क्या करोगे, नहीं बोलना चाहिए। अगर वो पहन रहा है तो उसको पहनने दो, अगर उसको अलग से खाना बनाने बना के खिलाना पड़े तो भी खिलाओ, ये आपका धर्म है। इसलिए सदैव हमें जो व्यक्ति धर्म मार्ग पर है उसका आश्रय ले लेना चाहिए, उसके पीछे पीछे लग जाना चाहिए। तो ब्राह्मण पत्नियों के साथ साथ ब्राह्मण देवताओं का भी उद्धार हुआ। उसके बाद महाराज एक ब्रज में लीला हुई जिसको कहते हैं गोवर्धन लीला। गोवर्धन लीला, आप लोग ब्रज में आज तक नहीं गए होंगे तो आप लोग कहां जानेंगे कि गिरिराज जी कौन है, गोवर्धन कौन है। इसलिए आज हमारे गिरिराज जी आप लोगों के सामने प्रकट हो रहे हैं, आप सब लोग उनकी तालियों से स्वागत करिएगा। बोलिए गिरिराज भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। हमारे गिरिराज जी ब्रज के ठाकुर हैं, ब्रज के मुखिया हैं। आज भी हमारे ब्रज में 84 कोस की परिक्रमा होती है और उस 84 कोस की परिक्रमा में गिरिराज जी की अकेले 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। और देखिए एक बात और आप लोग सुनेंगे कि कोई भी अपने जगह से खड़ा नहीं होगा, सब लोग बैठ करके दर्शन करेंगे ताकि सब लोगों को दर्शन मिल सके और सब लोगों को पूजा करने का अवसर दिया जाएगा। सब लोग आकर के गिरिराज जी की बारी बारी से आप लोग पूजा कर सकते हैं, लेकिन धक्का मुक्की नहीं, आप लोग अपने जगह से उठेंगे, आएंगे, पूजा करेंगे और फिर अपने जगह पे बैठ जाएंगे। तो हमारे ब्रज में गिरिराज जी जो कि 21 किलोमीटर के रेंज में है, गिरिराज जी कलयुग के प्राणियों का उद्धार करने के लिए ब्रज में आए। क्योंकि कलयुग में आज आप जाएंगे गिरिराज जी में तो देखेंगे गिरिराज जी की परिक्रमा कभी बंद नहीं होती, कभी बंद नहीं होती। आपको दिन हो, रात हो, दोपहर हो, चाहे जब हो, गिरिराज जी की परिक्रमा करने वाले हमेशा गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं। कुछ लोग दौड़ के करते हैं, कुछ लोग पैदल चल के करते हैं, कुछ लोग लेट करके करते हैं, कुछ लोग एक ही जगह 108 बार 1008 बार दंडवती करके उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी ऐसी तपस्या लोग गिरिराज जी के तलहटी में रह करके करते हैं। गिरिराज जी सबकी मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं, इस कलयुग के भगवान गिरिराज जी हैं, कलयुग के। और आज भी ब्रज में आप लोग जाएंगे तो गिरिराज जी का डंका बजता है, डंका। एक बार यशोदा मैया कुछ पकवान बना रही थी, जब हमारे यहां कुल देवताओं की पूजा होती है तो महाराज वहां पे कुल देवताओं की पूजा होती है तो कुल देवता जो नंद बाबा आदि के कुल देवता थे वो इंद्र थे, इंद्र की पूजा करते थे। तो यशोदा मैया पकवान बना रही थी तो कन्हैया हमारे 5 साल के छोटे से भाई, बच्चा तो बच्चा ही होता है, घर में देखा पकवान बनते हुए तो जाके मां से बोला, मां पहले हम खाएंगे। तो यशोदा मैया ने कहा बेटा ये पहले भगवान को भोग लगेगा उसके बाद हम लोग खाएंगे। तो कन्हैया ने कहा मैया कौन भगवान, बोले देख लल्ला ज्यादा हमसे बहस मत कर, अगर ज्यादा तुमको जानना है तो नंद सुनंद आदि बाहर बैठे हैं और जाके तुम उनसे पूछ लो, वही तुमको बता देंगे। अब कन्हैया छोटे से 5 साल के अब वहां से निकले, घर में से आए
और नंद सुनंद आदि सब लोग बैठे हैं ग्वाल बाल, उस बीच में खड़े होकर के एक छोटा सा बच्चा प्रश्न करता है, बाबा ये बताओ कि हम लोग किसकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। बोले लल्ला हम लोग इंद्र की पूजा करेंगे। बोले ये इंद्र कौन है? बोले बेटा इंद्र हमारे भगवान है और हम लोग किसान हैं, हम लोगों की मूल संपत्ति गाय है, हम लोग किसान हैं, किसानी से हम लोगों के यहाँ अन्न आता है और हमारे पशुओं के लिए चारा आता है और वो बिना बारिश के होता नहीं, वो बारिश करने वाले इंद्र हैं, इसलिए हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं। तो भगवान बड़ा सुंदर उनसे तर्क करते हैं। भगवान कहते हैं बाबा ये बताओ कि अगर तुम्हारा पड़ोसी इंद्र की पूजा करे और तुम ना पूजा करो तो क्या उसके खेत में बारिश होगी, तुम्हारे खेत में बारिश नहीं होगी? नंद बाबा बोले बिल्कुल होगी। बोले अगर सबके खेत में बारिश होगी तो फिर आप सब लोग मिलकर के उनकी पूजा करते हैं और साल में एक बार करते हैं, हम लोगों की मूल संपत्ति तो गायें हैं और गायों को रोज हरा हरा चारा हमारी लीला के लिए, हमारे ग्वाल बाल के लिए ठंडा ठंडा शीतल जल, ये तो हमारे गिरिराज जी देते हैं। गायें रोज जाती हैं हरा हरा चारा चर के चली आती हैं और दूसरे दिन जाती हैं तो फिर हरा हरा चारा तैयार रहता है, ये तो गिरिराज जी हम लोगों का पालन पोषण कर रहे हैं। हम लोग वनवासी हैं, इस वन में हम लोगों की सुरक्षा तो हमारे गिरिराज जी कर रहे हैं। एक बार हमारे ठाकुर की पूजा करके देखो, इतना साल से तुम अपनी इंद्र की पूजा कर रहे हो तब भी तो झूरा पड़ रहा है, आए दिन झूरा पड़ रहा है, और जब गवर्नमेंट पैसा अलॉट कर देती है तो भगवान इतना बरस देते हैं कि फसल भी तैयार हो जाती है। तो इसलिए बहुत दिन इंद्र की पूजा कर लिए, एक बार तुम हमारे ठाकुर की पूजा करके देखो। अब सारे ग्वाल बाल तैयार हो गए, बोले ठीक है एक बार गिरिराज जी की भी पूजा करके देखें। अब सारे ग्वाल बाल जितने भी थे, सब जो भी घर में पकवान बना था वो सारा पकवान बड़े बड़े भगोने में लेकर के सब लोग तैयार हुए, कहां गिरिराज जी की तलाटी में जाने के लिए। आज गिरिराज जी को भोग लगेगा ब्रज में, क्योंकि गिरिराज जी को 56 भोग लगता है और गिरिराज जी के यहां इतना पकवान लद करके गया महाराज, इतना पकवान लद करके गया कि ब्रजवासी जब गिरिराज जी को भोग लगाए तो गिरिराज जी स्वयं प्रकट होकर के खाए, क्योंकि इतना दिन ग्वाल बाल इंद्र को भोग लगाते थे, इंद्र प्रकट होकर के नहीं खाते थे। यही बात तो कन्हैया जी बोले, और एक बार तुम हमारे गिरिराज जी की पूजा करके देखो, वो साक्षात प्रकट होकर के खाएंगे। जब ले जाके सारा 56 भोग गिरिराज जी के सामने रखा गया और जब उनको अर्पण किया गया तो गिरिराज जी प्रकट होकर के भोग को स्वीकार किए। गिरिराज जी उधर पकवान खा रहे थे तो हमारी गोपियों ने देखा तो आपस में बात करने लगी, बोली सखी जैसा हमारा कनुआ दिखता है वैसा ही वो भी दिख रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कृष्ण हम लोगों को मूर्ख बना के वहां खाने को नहीं दिए तो जंगल में ला के खा रहा है, हमें तो बड़ा संशय हो रहा है। लेकिन जब गोपियां देखती थी उधर तो इधर गिरिराज भोग लगा रहे हैं और जब इधर कृष्ण की तरफ देखती थी तो कृष्ण इधर मुस्कुराते हुए नजर आते। गोपियों ने कहा नहीं, गिरिराज जी साक्षात प्रकट होकर के भोग को खा रहे हैं। जब गिरिराज पूरा सफा चट कर लिए, जितना पकवान आया था सब खत्म, तो भगवान गिरिराज जी से बोले अरे प्रभु ये लोग इतना प्रसाद बना के लाए हैं, कुछ टिफिन में छोड़ देना कि सब उड़ा दोगे तो इनका मन तो हताश हो जाएगा, इतना मेहनत से पकवान बना के लाए और पंडित जी लोग सब बांट दिए भोग लगा करके, तो भैया ध्यान रखना सीताराम जी कि जो लोग टिफिन में लाए उनके टिफिन में थोड़ा थोड़ा छोड़ देना, तभी मिलाना उसमें। तो इसलिए हमारे गिरिराज जी तो सब सफा चट कर दिए एकदम पूरा खत्म। भगवान बोले अरे प्रभु कुछ तो बचा दिए होते, कम से कम कुछ प्रसाद तो पा लेते, बेचारे इतना दूर से आए हैं।
तो भगवान भोग को खाने के बाद फिर से हाथ ऐसे किए और सारा जितना भोग लगा हुआ था सब वैसे ही हो गया। इसीलिए कहा जाता है, आप लोग कहते हैं ना कि तुम भोग लगाते हो तो क्या भगवान खा लेते हैं क्या तुम्हारा? जो भी भोग भगवान को लग जाता है उसका स्वाद बदल जाता है, उसका स्वाद बदल चलता है, क्योंकि जब भगवान खाते हैं तो उसमें भगवान का लार मिश्रित हो जाता है, अमृत स्वरूप। और भगवान को भोग लगने के बाद तो वो अमृत हो गया, प्रसाद हो गया, वो तो खाना रही नहीं गया, खाना रही नहीं गया। इसलिए हम भगवान को भोग तो लगाते हैं, जो श्रद्धा से लगाते हैं तो भगवान खा करके फिर तुम्हारा खाना वैसे ही कर देते हैं कि भाई अब तुम प्रसादी पाओ। ये हम जीवों पर दया करते हैं, कृष्ण बड़ा दयामय, करीवारे जिहवास जोय, सौ प्रसाद अन्न दिला भाई और सही अन्नामृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ। ये है भगवान की महिमा। भगवान कितने दयालु हैं कि अपना प्रसाद देते हैं, सौ प्रसाद अन्न दिला भाई, हम लोगों को अपना प्रसाद देते हैं। जब भगवान को हम खिलाते हैं तो भगवान अपना जूठन वापस करते हैं, ना कि आपका खाना वापस करते हैं। सौ प्रसाद अन्न दिला भाई, सेई अन्नामृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ। सेई अन्न पाओ मतलब वही पाओ, दूसरा कुछ मत पाओ, बगैर भगवान को भोग लगा कुछ मत खाओ। सेई अन्नामृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ। जिन्होंने इतना हम लोगों के ऊपर दया किया उनके गुणों को गाओ, और गा गा करके नाच नाच करके खाओ, भगवान का गुण गाते रहो, राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेमे डाको चैतन्य निताय। क्योंकि हम लोगों की ये परंपरा तो हमारे चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने दिया, उस परंपरा में हम लोग आए और हम लोग महामंत्र को जप करके इस संसार से हम लोग पार हो जाते हैं। भगवान सब प्रसादी वैसे ही कर दिए, सारे ब्रजवासी बैठ के छकाछक छाने पे जमा करके छान लिए। जब इतना हो गया तो बोले भाई अब इसको पचा भी लिया जाए थोड़ा। खाने के बाद गिरिराज जी की परिक्रमा लोग किए, पहली बार गिरिराज जी की परिक्रमा ब्रजवासियों ने किया, पहली बार गिरिराज जी की बहुत दिव्य पूजन किए। आज भी अब गिरिराज जी की पूजा आने वाली है, दीपावली के दूसरे दिन गिरिराज जी की पूजा होती है, इतनी भीड़ रहती है गिरिराज जी में कि पूछो मत। उसी दिन गौ पूजा गिरिराज पूजा उसी दिन होता है, दीपावली के दूसरे दिन। तो गिरिराज जी की बड़ा भव्य पूजा हुई, उसके बाद ब्रजवासी जो लोग बूढ़े थे वो छकड़े पे बैठ गए और जो जवान थे वो मृदंग और करताल ले लिए, ढोल ले लिए, और जो बच्चे थे वो सब नाच नाच करके गा गा करके संकीर्तन करने लगे। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा। तो हम लोग वहां तो गिरिराज जी के यहां नहीं जा पा रहे हैं परिक्रमा करने के लिए, तो वहां तो परिक्रमा करने के लिए नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम लोग मानसिक रूप से यहीं पे गिरिराज जी की पूजा और परिक्रमा करेंगे। तो गिरिराज जी की पूजा शुरू होगी तो पहले जो जजमान लोग हैं वो करेंगे, और उसके बाद फिर आप लोगों की बारी आएगी, आप लोग बारी बारी से करते रहिएगा। और सीताराम जी दो थाली तीन थाली कर दीजिएगा ताकि लोग जल्दी कर लें। तो आइए हम लोग चलते हैं गिरिराज जी की परिक्रमा में, मानसिक रूप से परिक्रमा करेंगे और सब लोग तालियां बजा करके हमारे साथ गाएंगे। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन
धन को जाओ मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को ऊपर उठा करके तालियां बजा के बोलिए सभी लोग पीछे माताएं बैठी है दुर्गा पूरा हाथ ऊपर उठाइए अच्छे से धन को जाऊ मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा गोवर धन को जाऊ मेरे वीर नाई मान्यो मेरो मनवा मैं तो गोबर धन को जाऊ मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा मैं तो गोवर धन को जाऊ मेरे वीर नाई मान्यो मेरे मनवा नाई माने मेरो मनवा सखी नाई माने मेरो मनवा मेरे मनवा सखीरे नाई माने मेरे मनवा नाई माने मेरो मनवा सखीरी नाई माने मेरो मनवा नाई माने मेरे मनवा सखीरे नाई माने मेरे मनवा मैं तो गोवर धन को जान मेरे नाई माने मेरो मैं तो गोवर धन को जाऊं मेरे नाई माने मेरे मनवा जय हो सात कोस की दे परिकम्मा कोस की दे परिकम्मा सात कोस की दे परिकम्मा कोस की दे परिकम्मा सात 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 कोस की दे परिकम्मा मैं तो मानसी मैं तो मानसी मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर नाई मान्यो मेरो मनवा नाई मान्यो मेरो मनवा सखीरी नाई माने मेरो मनवा नाई मान्यो मेरे मनवा सखीरी नाई मान्यो मेरे मनवा नाई माने मनवा सखीरी नाई माने मेरो मनवा नाई माने मेरे मनवा सखीरी नाई माने मेरे मनवा मैं तो गोबर धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा मैं तो गोबर धन को जाऊं रे सखी नाई माने मेरो मनवा जय हो सात शेर की करूर कढ़ाई 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 सात
शेर की करूर कढ़ाई, सात शेर की करूर कढ़ाई, सात शेर की करूर कढ़ाई, सात शेर की करूर कढ़ाई, सात शेर की करूर कढ़ाई, सात शेर की करूर कढ़ाई। मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण ने ओत जीवान मेरे दीन नाई माने मेरो मनवा, मैं तो ब्राह्मण ने ओत जीवाऊ मेरे दीन नाई माने मेरो मनवा, नाई माने मेरो मनवा सखीरी, नाई मानो मेरो मनवा, मनवा सखीरी, नाई मान्यो मेरो मनवा, नाई मान्यो मेरे मनवा सखीरी, नाई मान्यो मेरे मनवा। मैं तो हो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई मानी, मैं तो गोवर्धन को जाऊं सखी, नाई मान्यो मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे सड़क पे, मैं तो सड़क पे, मैं तो बैठ सड़क पे खाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा, मैं तो बैठ सड़क पे खाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा। मनवा सखीरी, नाई माने मेरो मनवा, नाई माने मेरो मनवा सखीरी, नाई माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं रे सखी, नाई माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने जो भी भक्त
गोवर्धन महाराज की आरती करना चाहते हो अपने स्थान से उठ कर करके आके आरती कर लें। जितने भी कार्यकर्तागण और जो भी भक्त भगवान की आरती करना चाहते हैं आकर के परिवार आरती कर लें। अरे मैं तो गोवर्धन को गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा जय हो। जो माताएं लोग आरती करना चाहती है अपने स्थान छोड़ करके आकर के आरती कर ले। जो माताएं बहने जो भी शुभ हो छोड़ करके माताएं लोग आरती कर ले जल्दी जल्दी। इधर भाई सब लोग बैठे हैं जो भी लोग आरती करना चाहते हैं भगवान की भेंट बना ले जल्दी जल्दी करते रहिए आरती को पीछे देते रहिए फटाफट। और जो लोग आरती नहीं कर रहे हैं जो लोग बैठे हैं वो हमारे साथ गिरराती में चलेंगे। हाँ चंपा जाय चमेली जाय रही चंपा जाय चमेली जाय रही चंपा जाय चमेली जाय रही हाँ चंपा जाय चमेली जाय रही। अरे मैं कैसे अरे मैं कैसे अरे मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा अरे मैं कैसे रह जाऊं जगे नाई माने मेरो मनवा अरे मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा तो गोवर्धन को जाऊं रे सके नाई माने जय हो। आराध्य आरती करिए झटकी दुख आप लोग बारी बारी से करिए सबको मौका दिया जाएगा। गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं मैं गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं मैं गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं मैं तो पेड़ा मैं तो पेड़ा मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं रे सखे नाई माने ओ मेरे मनवा मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं रे सखे नाई माने ओ मेरे मनवा मान्यो मेरो मनवा सकीरी नाई माने मेरो मनवा नाई माने मेरो मनवा सकीरी नाई माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मैं तो गोवर्धन को जाऊं रे वीर।
नाई माने मेरो बनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने आराम से आरती कर लीजिए आप लोग धक्की धक्का ना करिए जो लोग आरती कर चुके हो पीछे चले जाएं सब लोग